नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जानकारी दूंगी कि राजस्थान पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स को कहाँ एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए जाना होता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ की रूटीन किस प्रकार से होती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सीखने मिलेंगी। सबसे पहले कि बता दूँ कि आप जैसे ही पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे राजस्थान का, और फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और ट्रेनिंग में बुलाया जाने के बाद जा कर के आपको फर्स्ट दिन ही ट्रेनिंग में क्या किया जाएगा कि आपकी डेली रूटीन के जो प्रोसेस है वो टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, ताकि नेक्स्ट डे से आप उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दें। वहाँ आपको खाने पीने उठने बैठने से लेकर के सभी नियम बताए जाएंगे। सबसे पहले आप जब सुबह उठेंगे तो आपको अपना टाइम टेबल स्टार्ट कर देना है। टाइम टेबल में सबसे पहले बॉडी फिटनेस के लिए पीटी, योगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जब वो सब प्रोसेस है वो पूरा हो जाने के बाद आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, और ब्रेकफास्ट के बाद से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस स्टार्ट होने पर वहाँ आपके कई अलग जो सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना होगा, और उसके अपने अपने ड्यूरेशन हैं। उस ड्यूरेशन में आपको CRPC, IPC एंड सोशल एक्ट इस तरीके और एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और आपको सीखना होगा, वो याद रखना होगा, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम भी देना होगा उसके लिए। इसके बाद क्या होता है कि आप जितने रूल्स सीख ले चुके होते हैं उसके बाद आपको केस दिए जाते हैं। गांव-गांव में आपको मतलब कि ऐसे आसपास के क्षेत्रों में भेजा जाता है, या वहीं एक मतलब नाटक के तौर पर दिया जाता है कि आप इसको सीखो, और यहाँ पर आपको जब ये सिचुएशन दिया जाएगा तो आप वहाँ पर पढ़ाए गए नियमों को किस प्रकार से फॉलो करेंगे। आपको सारी चीज़ें वहाँ मतलब करना होगा, करने के बाद जाकर के आप कोई भी सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं। देखने के बाद ही जाकर के आपको उस पर रैंकिंग दी जाती है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि कौन बेहतर अपना काम कर रहा है, वरना उसके बाद आपको फिर से सिखाया जाएगा उस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप क्या करेंगे कि जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते लोग थोड़ा मनोरंजन की चीज़ें भी चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वहाँ मनोरंजन की भी व्यवस्था होती है समय समय पर, जैसे कि डांस है, फिर उसके बाद कई नाटक और खेल, इन सब चीज़ों के जो टाइमिंग है वो ड्यूरेशन उस पर सेटअप होता है कि इतने दिन में ये सब चीज़ें होंगी। तो काफ़ी जो ट्रेनी होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आप भी जब PCS ऑफिसर बनेंगे तो उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो आप ट्रेनी होने के तौर पर आप भी वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ इंजॉय कर सकते हैं, लोग खूब मौज मस्ती भी करते हैं, साथ में कई चीज़ें सीखते भी हैं कि जो उनके स्टेट में है किस प्रकार के डांस होते हैं, लैंग्वेज किस प्रकार से होता है, नाटक क्या है, साथ में इंडिया के लेवल में क्या चल रहा, ये सब चीज़ें उस वार्षिक जो उत्सव होता है वहाँ मनोरंजन के तौर पर सब कुछ सिखा दिया जाता है। अब इसके बाद लास्ट चांस जो आता है चीज़ें हैं वो ये है कि गेम, आप जब खेलने कूदने पढ़ाई करने ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एक मनोरंजन के तौर पर और सीखने के तौर पर बहुत अच्छा माना जाता है। तो इंस्टीट्यूट में खेलना भी होता है, तो खेल का भी एक टाइम होता है। उस टाइम में क्या होता है कि रोज़ाना जो ट्रेनिंग होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बस वहाँ पे कई सारे गेम होते हैं, उसमें से 3 से 4 कंपलसरी गेम होते हैं, उस पर वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसको खेलते हैं। फिर उसके बाद इस पे क्या होता है कि कंपटीशन भी होता है, उसके बाद उसमें सभी स्टूडेंट्स गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद क्या होता है कि उसमें जो भी विजेता होता है उनको पुरस्कार दिया जाता है, उस पर भी अपनी एक रैंकिंग होती है। तो इस प्रकार का जो ड्यूरेशन होता है, रूटीन होता है, वो आपके ट्रेनिंग के दौरान चलता रहता है। तो दोस्तों, ये रहा राजस्थान का जो ट्रेनिंग प्रोसेस रहा। अगर आपको इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।